Hello, my dear NEET aspirants. This is your biology mentor, Dr. Garima Singh, and I welcome all of you to Pradis Education NEET. तो बेटा आप हैं मेरे साथ हमारे YouTube चैनल प्रैडिस एजुकेशन नीट में, जहां हम कर रहे हैं तैयारी नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, एंड दैट टू आपकी हेल्प कर रहे हैं नीट को क्रैक करने के लिए, ताकि आपकी तैयारी पूरी हो सके और आप अपनी जीत दर्ज कर सको इस एग्जामिनेशन में. तो चलो शुरू करते हैं तैयारी आपकी जीत की, तैयारी नीट की. और नीट की तैयारी में जो चैप्टर हम फिलहाल पढ़ रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम योर 11th क्लास करिकुलम, विच इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, कि फ्लावरिंग प्लांट को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है साइंटिफिकली. ठीक है, अब अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो बच्चा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर लेना, सो दैट आपसे कोई भी लेक्चर्स फर्दर मिस ऑन नहीं हो. बाकी आपकी DPPs, आपकी नोट्स, आपके PDF, आपकी वर्कशीट्स, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाती है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अगर आपको वहां तक पहुंचने में, टेलीग्राम चैनल ढूंढने में कुछ भी डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो आपको करना क्या है, आपको बस इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करना है. हमारे जो मेंटर्स हैं, जो आपकी हेल्प करने के लिए हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे और आपको वहां तक पहुंचाएंगे. चलो अब बाकी किसी भी लेक्चर में कभी पर भी कोई क्वेरीज आती हो, कुछ प्रॉब्लम्स आती हो, तो द एंटायर कॉमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू. कहीं पर भी किसी भी लेक्चर में टाइम स्पैन डाल देना कि अच्छा इतने बज के इतने मिनट तक दिक्कत है, और मैं फिर कोशिश करूंगी कि हम जितने जल्दी से जल्दी हो सके स्पेशल डाउट क्लास अरेंज करके आपकी वो पर्टिकुलर क्वेरी सॉर्ट आउट करें. अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आज देख लेते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, कि एक फ्लावरिंग प्लांट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं. अब जब भी फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने की बात आती है ना बच्चों, जब भी इनको डिस्क्राइब करने की बात आती है, हम कहते हैं कि बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं जो एक फ्लावरिंग प्लांट में आपको दिखेंगे. अब जब भी हम इनको डिस्क्राइब करें ना, इनका डिस्क्रिप्शन बहुत ब्रीफ होना चाहिए. बहुत ब्रीफ मतलब बहुत सिंपल होना चाहिए, पूरा पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, और एक प्रॉपर सीक्वेंशियल मैनर में होना चाहिए. जैसे मैं स्टार्ट करूँ कि प्लांट कहाँ पाया जाता है, फिर मैं उसका वेजिटेटिव फीचर्स डिस्क्राइब करना स्टार्ट करूँ कि रूट किस टाइप की है, फिर मैं बताऊँ उसकी स्टेम किस टाइप की है, फॉलोड बाय लीफ कैसी है, पैटर्न कैसा है, फिलोटैक्सी कैसी है, विनेशन कैसा है, और उसके बाद मैं आ जाऊँ उसके फ्लावर पे. अब फ्लावर को भी डिस्क्राइब करूँ तो उससे पहले बताऊँ मैं उन्हें कि उसकी इनफ्लोरेसेंस कैसी होगी, फ्लावर के भी सारे पार्ट्स डिस्क्राइब करूँ एक करके, कि भैया मेरा सेपल कैसा है, पेटल कैसा है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, लाइक एवरीथिंग इन डिटेल एंड इन ब्रीफ. तो जब मैं इस तरीके से वन बाय वन चीज़ें समझाऊंगी, तो मैं कहूँगी कि मैं अपने फ्लावरिंग प्लांट का आपको एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ. तो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन देने के लिए उसकी हैबिटेट कैसी है, वो कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैसे हैं, रूट्स स्टेम लीव्स कैसी हैं, उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स कैसे हैं, इनफ्लोरेसेंस कैसी है, फ्लावर के पार्ट्स कैसे हैं, सब कुछ मुझे डिस्क्राइब करना होगा. अब जब मैं इनको डिस्क्राइब करूंगी ना, तो मैं एक फ्लोरल डायग्राम की और एक फ्लोरल फॉर्मूला की भी हेल्प लूंगी. तो आज के क्लास में हम सीखेंगे कि ये फ्लोरल डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है और ये फ्लोरल फॉर्मूलाज क्या होते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं इन्हीं फ्लोरल फॉर्मूला के सिंबल्स को. तो फ्लोरल फॉर्मूला लिखना हो ना बेटा, तो सिंबल्स यूज करने पड़ते हैं. अब देखो एक फ्लावर को ही आपको पकड़ा दे, तो पकड़ाएगा तो आप बाहर से अंदर देखना स्टार्ट करोगे. हो सकता है आपको उसमें ब्रैक्स देखने को मिले, हो सकता है आपको उसमें ब्रैक्स देखने को मिले. तो अगर आपको ब्रैक्स देखने मिले फ्लावर में, तो आप BR करके रिप्रेजेंट करोगे. नहीं लिखे, नहीं दिखाई दे, तो EBR लिख सकते हैं हम, मतलब ई ब्रैक्टेड कंडीशन. ठीक है, तो ब्रैक्टेड कंडीशन है तो BR, ई ब्रैक्टेड कंडीशन है तो EBR. हाय विजय, हाउ आर यू? हाय मारुफ, गुड आफ्टरनून बेटा. ठीक है, अगर आप लोग नए हो चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं फ्री में. लाइव क्लासेस लगती हैं आपकी मंडेज, वेंसडेज एंड फ्राइडेज 2:00 पे मैं आपको बायो पढ़ाने के लिए मिलती हूँ, और थर्सडेज एंड सैटरडेज को मिलती हूँ 4:00. ठीक है, बाकी जितना भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो भी PDF है, प्रैक्टिस शीट्स हैं, नोट्स हैं, सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं. टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको डेली के प्रैक्टिस पेपर्स मिला करेंगे. अब आओ देखें आज क्या देख रहे हैं. आज फ्लावरिंग प्लांट का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं. मॉर्फोलॉजी पढ़ते पढ़ते आखिरी लेक्चर्स पे आ चुके हैं, और देखना चाह रहे हैं फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, और फ्लोरल फॉर्मूला कैसे देखते हैं, उसके लिए हम कुछ सिंबल्स डिस्कस कर रहे हैं. अगर आपको फ्लावर के नीचे ब्रैक्स देखने को मिलते हैं, जैसे बोगनविलिया में होते हैं, ब्रैक्स, तो क्योंकि फ्लावर तो बहुत छोटा सा होता है, तो वहां पर भैया अट्रैक्शन के लिए ब्रैक्स होते हैं. तो अगर इस तरीके से ब्रैक्स मिलेंगे तो आप BR लिख देना, नहीं मिलेंगे तो आप EBR लिख देना, मतलब ई ब्रैक्टेड कंडीशन. ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या बताओगे नेक्स्ट, आप बताओगे पार्ट्स में सेपल्स. अब सेपल्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं, सेपल्स के कलेक्शन को कहते हैं कैलिक्स. तो कैलिक्स को हम K अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं.
अब मान लो अगर कि आपके पास पांच सेपल्स हैं, कैलिक्स के अंदर पांच सेपल्स हैं, तो मैं या के लिखने के बाद या नीचे पांच लिखूंगी, ठीक है, के लिखने के बाद नीचे पांच लिखूंगी। और अगर ये पांचों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, पांचों एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं, जैसे हिबिस्किस में, चाइना रोज में होते हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं बताऊंगी ऐसे ब्रैकेट बना के। तो कभी भी फ्यूजन है अगर इंडिविजुअल मेंबर्स में, तो मुझे ब्रैकेट बनाना होता है उसकी सराउंडिंग्स में, और ये ब्रैकेट डिनोट करता है फ्यूजन, ये ब्रैकेट डिनोट करता है फ्यूजन बिटवीन इंडिविजुअल मेंबर्स। तो ये अगर सेपल्स थे और मैंने ऐसे लिखा है, तो आप देखकर मुझे बता पाओगे कि कंडीशन कैसी है, गैमोसेपिलस है, गैमोसेपिलस है, क्योंकि फ्यूजन ऑफ द सेपल्स आप देख पा रहे हो, फ्यूजन ऑफ द सेपल्स आप देख पा रहे हो। अब पॉलीसेपिलस कंडीशन होती, मतलब सारे सेपल्स फ्री होते, तो मैं ऐसे ही लिखती, कोई ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं बनाती। अब नेक्स्ट क्या आएगा, सेपल्स के बाद पेटल्स आएंगे, तो नेक्स्ट मैं पेटल्स लिख देती हूँ। पेटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से, क्योंकि कोरोला है हमारे पास, तो कोरोला को हम सी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है बेटा, अगर मेरे पास ये थे टोटल मिला के, मान लेते हैं चार, और चारों के चारों फ्री थे, तो मैं ऐसे लिखूंगी, चार थे फ्यूज्ड थे, तो मैं ऐसे लिखूंगी, ठीक है। तो पॉलीपेटेलिस है या गैमोपेटेलिस है, आप ये फ्लोरल फॉर्मूला देखकर मुझे बता पाओगे, मुझे बता पाओगे। अब जिसमें आपको के और सी दिखाई ना दे, मतलब हो सकता है कि दोनों फ्यूज्ड हो, तो आपको क्या दिखेगा, पेरियांथ दिखेगा, तो फिर हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे पेरियांथ को, मतलब आपको पेटल्स और सेपल्स सेपरेटली नहीं दिख रहे हैं, आपको एक सिंगल लेयर दिख रही है जिसे हम पेरियांथ बुला रहे हैं। तो अगर पेरियांथ है, टेपल्स है, तो आप उसे पी से रिप्रेजेंट करना, ठीक है, पी से रिप्रेजेंट करना। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मतलब स्टेमेंस। अब अगेन स्टेमेंस कितने हैं, दो रोज में है, तीन रोज में है, या एक सिंगल लेयर में है, तो मान लेते हैं अपन कि अपने पास दो बंडल्स हैं, ठीक है, दो बंडल्स हैं, दो लेयर्स हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे कि एक में चार हैं, एक में दो हैं, तो 4+2 लिख देंगे, ठीक है, 4+2 लिख देंगे। तो कितने हैं उस हिसाब से हम यहाँ बेस पर नंबर्स उसका लिखते हैं। अब एक ऐसी कंडीशन भी पढ़ी है ना हमने, जब हमने पढ़ा है कि हमारे ये जो स्टेमेंस हैं, ये अटैच होते हैं आपके पेटल से, एपिपेटलिस कंडीशन। तो अगर ये किसी दूसरी वाली लेयर के साथ चिपके हुए हैं, दूसरी वाली लेयर के साथ फ्यूज्ड है, तो आप ऊपर एक ऐसे बेटा एरो बना के रिप्रेजेंट करते हो। अब यहाँ क्या समझ आ रहा है, यहाँ समझ आ रहा है कि एंड्रोशियम जो है वो किससे चिपका हुआ है, वो चिपका हुआ है पेरियांथ से, मतलब कंडीशन कैसी होगी, एपिफिलिस होगी। तो मैं एपिफिलिस कंडीशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि एंड्रोशियम मेरा पेरियांथ से अटैच्ड है, एंड्रोशियम मेरा पेरियांथ से अटैच्ड है, तो ये कंडीशन हो जाएगी एपिफिलिस कंडीशन, एपिफिलिस कंडीशन। और ये क्या हो जाएगी ऊपर, ऊपर हो जाएगी एपिपेटलिस कंडीशन। तो देखो एक फॉर्मूला बनता जा रहा है, और उस फॉर्मूला को देखते साथ ही मैं बहुत सारी चीजें लेटर ऑन आपको समझा पाऊंगी, कि मुझे एक फॉर्मूला देखते साथ ही इसके बारे में बहुत सारी चीजें समझ आ रही है एट अ ग्लैंस, मैं एक ही बार में देख के बता पा रही हूँ कि क्या कंडीशन है और क्या नहीं। ऐसे ही अप नेक्स्ट मेरे पास गाइनोशियम आता है, तो नेक्स्ट इन लीग मेरे पास गाइनोशियम है। अब गाइनोशियम में देखो, ओवरी अगर मेरी सुपीरियर है तो मैं डंडी के ऊपर ओवरी को बिठा दूंगी, और अगर मेरी ओवरी इन्फीरियर है तो मैं डंडी के नीचे उसे बिठाऊंगी। तो अगर जी लिखा हुआ है, उसके नीचे डंडी है बेस पे, मतलब ओवरी को मैंने ऊपर बिठाया है, विच इज रिप्रेजेंटिंग अ सुपीरियर ओवरी एंड अ हाइपोगाइनस फ्लावर, एंड अ हाइपोगाइनस फ्लावर। इफ द ओवरी इज बिलो, इफ द ओवरी इज नीचे एंड बाकी स्ट्रक्चर्स आर ऊपर, देन इट इज रिप्रेजेंटिंग एन इन्फीरियर ओवरी एंड एन एपीगाइनस फ्लावर। तो फ्लोरल फॉर्मूला की हेल्प से आप ये चीज भी बता सकते हो, ये चीज भी बता सकते हो। अब सबसे पहले हम ये भी बता देते हैं भैया कि फ्लावर कैसा है, जैसे एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों हैं इसमें, तो फ्लावर कैसा होगा मेरा, बायसेक्सुअल होगा। तो ये बायसेक्सुअल का सिंबल है कि मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स आपको आगे दिखेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरे फ्लावर में सिर्फ एंड्रोशियम हो, सिर्फ एंड्रोशियम हो कि कैलिक्स तो है, कोरोला तो है, फिर एंड्रोशियम है, गाइनोशियम नहीं है, तो ऐसी वाली कंडीशन है, मतलब ये मेल फ्लावर है, तो मैं मेल वाला सिंबल यूज करूंगी। ऐसे ही अगर कैलिक्स, कोरोला और सीधे गाइनोशियम दिखे, तो मतलब ये फीमेल फ्लावर है। तो ऐसे मेल और फीमेल के भी सिंबल्स होते हैं, ये भी हम इस फॉर्मूला में ही बता देते हैं। ऐसे ही बेटा हम एक चीज और बताते हैं यहाँ पे, सिमेट्री। सिमेट्री देखो, जब ऐसा सर्कल बनाओ और उसके अंदर प्लस का साइन हो, तो समझ जाना कि ये बात हो रही है रेडियल सिमेट्री की, और रेडियल सिमेट्री क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है अगर आपका, तो रेडियल सिमेट्री दिखेगी, और सिंबल आप यूज करोगे सर्कल के अंदर प्लस, सर्कल के अंदर प्लस। अगर आपका बायलैटरली सिमेट्रिक फ्लावर है, बायलैटरली कि एक ही प्लेन से दो हाफ्स में आप इक्वल तोड़ सकते हो उसे, तो कंडीशन दिखेगी बायलैटरली सिमेट्रिकल, यानी कि फ्लावर होगा जाइगोमॉर्फिक।
तो फ्लावर होगा बेटा आपका जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। तो यहां पर आपको जाइगोमॉर्फिक फ्लावर फिर देखने को मिलेगा। तो प्लस वाला सिंबल एक्टिनोमॉर्फिक का है और परसेंटेज वाला जाइगोमॉर्फिक का है। इंडिविजुअल मेंबर्स में अगर फ्यूजन है, इंडिविजुअल मेंबर्स अगर चिपके हुए हैं, तो आपको ऐसे ब्रैकेट में रख देना है उसको, ब्रैकेट में रख देना है उसको। अगर एक दूसरे के साथ नहीं, दूसरी किसी लेयर के मेंबर के साथ चिपके हुए हैं, तो ऊपर आपको एक सेमी सर्कल टाइप का आर्क बना देना है, ठीक है। ऐसा आपने बनाया है तो ये रिप्रेजेंट करेगा एडहेशन, ये रिप्रेजेंट करेगा एडहेशन, और ये जो ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करेगा फ्यूजन, ये जो ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करेगा फ्यूजन। तो इस तरीके से हम फ्लोरल सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम फ्लोरल सिंबल्स यूज करते हैं। ओके परिमल, इट्स ओके बच्चे। चलो अब अपन ने फ्लोरल सिंबल्स देखे, अब हम क्या देखेंगे, ये देखो इस तरीके से हमको एक फ्लोरल डायग्राम दिख रहा है और साथ में यहाँ पर नीचे एक फ्लोरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है, ये लिखा है फ्लोरल फॉर्मूला। तो इस चीज को हम फ्लोरल फॉर्मूला कहते हैं और जो हमने अभी सीखा ना वही हम इस फॉर्मूला की हेल्प से समझेंगे। देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है प्लस साइन, मतलब फ्लावर कैसा है, फ्लावर है मेरा रेडियली सिमेट्रिकल यानी एक्टिनोमॉर्फिक। तो तुम मुझे सिंबल लिख के दोगे तो मैं तुम्हें पहली चीज तो ये बता दूंगी कि फ्लावर मेरा एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियली सिमेट्रिकल है। फिर तुमने मुझे एक ये सिंबल दे रखा है तो इस सिंबल को देखकर बेटा मैं बता दूंगी कि फ्लावर मेरा बायसेक्सुअल है, बायसेक्सुअल है। ये नॉलेज भी मुझे मिल रही है इसी को देखकर। ऐसे ही अगले में तुमने लिख के दिया है मुझे K2+2 है, K2+2 है, तो मुझे क्या समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है सेपल्स है टोटल मिला के 4 और दो लेयर्स में अरेंज्ड है, दो लेयर्स में अरेंज्ड है। तो मैं यहां पर आपको बताऊंगी कि सेपल्स टोटल 4 है, सेपल्स टोटल 4 है और टू लेयर्स में है ऑफ 2 ईच। तो दो लेयर्स में है, दो अंदर दो बाहर। तो देखो यहां पर भी हमने ये बताया कि हमारे पास दो बाहर की तरफ है और दो अंदर की तरफ है। तो ये देखो कंप्लीटली इनसाइड इनसाइड है और ये पूरी तरीके से बाहर बाहर है, ये फिर अंदर अंदर है, ये फिर बाहर बाहर है। तो दो अंदर दो बाहर है, इस टाइप का अरेंजमेंट यहां मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये भी मैं यहीं से बता पा रही हूं। अब मैं अगर बात करूंगी नेक्स्ट, तो मुझे दिख रहा है कोरोला के नीचे 4 लिखा हुआ है। अब कोरोला के नीचे 4 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पेटल्स भी भैया मेरे पास 4 है, पेटल्स भी मेरे पास 4 है, ठीक है। तो ये भी मैं बता पा रही हूं यहां से। फिर मुझे दिखाई दे रहा है लिखा हुआ है A2+4। अब इससे मुझे क्या समझ आएगा, मुझे समझ आएगा कि जो मेरे एंड्रोशियम है ना, मतलब मेरे जो स्टेमेंस हैं, वो फिर से दो लेयर्स में है, फिर से दो लेयर्स में है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ दो है, 2 ऑन द आउटसाइड एंड 4 इनसाइड, 4 अंदर की तरफ। तो देखो डायग्राम में भी बनाए हैं मैंने, 2 बाहर बनाए और 4 अंदर वाली लेयर में बनाए, 4 अंदर वाली लेयर में बनाए। तो स्टेमेंस मेरे एक्चुअल में 2 लेयर्स में है, 4 अंदर 2 बाहर। तो इस वाली कंडीशन को मैं कहती हूँ 2+4 अरेंजमेंट। फिर मुझे देखो नेक्स्ट, यहाँ पर इन्होंने बताया है गाइनोशियम, डंडी बनाई है नीचे, यहाँ पर लिखा है 2 और लिखा है ब्रैकेट में। अब मुझे क्या समझ जाना है, मुझे ये समझ जाना है कि मेरा जो गाइनोशियम है, मेरा जो गाइनोशियम है वो कैसा है भैया, वो है बायकार्पिलरी, 2 कार्पल्स हैं उसमें, 2 कार्पल्स हैं उसमें और दोनों कार्पल्स कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, फ्यूज्ड है, ठीक है। तो 2 कार्पल्स हैं, दोनों फ्यूज्ड हैं। ओवरी कैसी है, इनफीरियर, ओवरी कैसी है, सॉरी ओवरी कैसी है, सुपीरियर। तो ओवरी मेरी सुपीरियर है क्योंकि डंडी नीचे बनी हुई है, तो सुपीरियर ओवरी के साथ है, बायकार्पिलरी है और मेरे जो दोनों कार्पल्स हैं वो मर्ज्ड हैं यानी फ्यूज्ड है, तो लॉक्यूल एक ही होगा, लॉक्यूल एक ही होगा। तो बायकार्पिलरी यूनिलॉक्यूलर ओवरी होगी, यूनिलॉक्यूलर ओवरी होगी। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स मैं यहां से इतना देखकर आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो कभी भी आपको ये डायग्राम के नीचे से फॉर्मूला लिखा मिले तो इस फॉर्मूला से इतनी चीजें तो आप एक मिनट में बता सकते हो, एक मिनट में बता सकते हो। अब ये जो फॉर्मूला आपने अभी अभी देखा ना बच्चा, ये फॉर्मूला जिस फैमिली का है उस फैमिली का नाम है ब्रासिकेसी फैमिली। क्या नाम है उसका, ब्रासिकेसी फैमिली। और ये ब्रासिकेसी फैमिली मस्टर्ड फैमिली भी कहलाती है। तो जो आपकी मस्टर्ड है यानी सरसों, उसके सारे मेंबर्स, इस फैमिली के सारे मेंबर्स में आपको यही कंडीशन मिलेगी। तो जैसे हम अपन क्लासिफिकेशन करते थे कॉमन कैरेक्टर्स देखकर, उनको ग्रुप्स में पुट करते थे, लाइकवाइज अपन यहां भी करेंगे, ठीक है। हाय जोगिंदर, लाइकवाइज अपन यहां भी करेंगे। जिन भी प्लांट्स में आपको देखने को मिले कि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, बायसेक्सुअल है, फिर आपको ऐसा देखने को मिले कि कैलिक्स 2+2 कंडीशन में है, कोरोला 4 पेटल्स वाला है, एंड्रोशियम 2+4 है,
ओवरी आपकी सुपीरियर है, बाइकार्पलरी यूनिलोक्युलर है, तो आप समझ जाना कि वो प्लांट ब्रासिकेसी फैमिली का मेंबर है, वो ब्रासिकेसी फैमिली को बिलोंग करता है यानी मस्टर्ड फैमिली को बिलोंग करता होगा। तो हम इतनी सारी चीजें ना इतनी सी चीज देखकर बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या बताएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोरल फॉर्मूला, कि फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है। देखो अब नीट पर फॉर्मूला बनाने को ही नहीं देगा, बट फॉर्मूला बनाएगा और आपको बताना होगा कि किसको बिलोंग करता है ये। हाय शत्रुघ्न, वेलकम टू द क्लास बेटा। अगर आपकी पहली क्लास है तो भी मैं आपको बता देती हूँ, मॉर्फोलॉजी चल रहा है क्लास में। अभी हम फिलहाल समझने की कोशिश कर रहे हैं टेक्निकल टर्म्स, कि हम एक फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, एक फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हैं, और अगर ऐसा कुछ बना आ जाए तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो किस फैमिली का डायग्राम है, ठीक है, उसके कौन कौन से मेंबर्स हैं एंड ऑल दैट। तो अभी हम सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हैं। अभी हम अपन देखने वाले हैं फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो फ्लोरल फॉर्मूला देखा, अब नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, फ्लोरल डायग्राम। अब देखो ये डायग्राम है, डायग्राम कैसे बनाते हैं, एक तो ये मदर एक्सिस बना देते हैं। मदर एक्सिस रिप्रेजेंट करता है कि आपके स्टेम पे आपका फूल का अटैचमेंट कहाँ है, तो ये मदर एक्सिस बना दी मैंने, तो भैया फूल इधर पे मुझे दिख रहा है। अब मैं इस फूल को देखूंगी ना, बाहर से अंदर मुझे आना है, सबसे बाहर जो मैंने लेयर बनाई है, सबसे बाहर जो लेयर बनाई है ये क्या बनाया है मैंने, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन। तो आपको यहाँ पर एस्टिवेशन दिखाई दे रहा है, इसमें दो लेयर्स में है ये, दो बाहर है दो अंदर की तरफ है, दो बाहर है दो अंदर की तरफ है। तो ऐसे जब मैं बनाऊंगी तो ये रिप्रेजेंट करेगा मेरा कैलिक्स कैसा है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा मेरा कैलिक्स कैसा है। तो 1, 2, 3 एंड 4 टोटल मिला के 4 सेपल्स हैं, दो लेयर्स में है। तो अगर मैं सेंटर से एक रेडियस लूं तो बाहर की तरफ दो है और अंदर की तरफ दो है। तो इस तरीके से मैं बता सकती हूँ कि दो अलग अलग लेयर्स में ये प्रेजेंट है, दो अलग अलग लेयर्स में प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने लिखा था 2+2, 2+2। अब देखो अगला क्या होगा, अगला जो होगा यहाँ पर वो होगा मेरा सेपल के बाद आएगा मेरा पेटल। अब मैं पेटल को देखूंगी ना तो पेटल मुझे सारे एक ही लाइन में दिखने वाले हैं, तो अगर वो मुझे सारे एक ही लाइन में दिख रहे हैं बच्चों, तो एक ये रहा, दो ये रहा, तीन ये रहा और चार ये रहा। तो अब ये चारों के चारों सेम ही लाइन में है, कोई किसी से चिपका हुआ नहीं है, सब एक दूसरे से सेपरेटेड है, वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन है। मैं डायग्राम देखकर आपको ये चीज बता रही हूँ कि वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन दिख रहा है मुझे, सारे एक दूसरे से दूर दूर है, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा, तो इतना डायग्राम देख के अभी तक मैंने आपको क्या बताया, कि ये जो मेरा फ्लावर है इसमें कैलिक्स है 2+2 कंडीशन में और कोरोला है 4, मतलब पेटल्स हैं 4। अब इसके बाद मैं क्या बताऊंगी आपको, इसके बाद बताऊंगी एंड्रोशियम, अब एंड्रोशियम मुझे बताना है ना, तो यहाँ पर मुझे इन्हें बताया था कि यहाँ पर 2+4 अरेंजमेंट होता है, तो बाहर वाले सर्कल में दो होंगे और अंदर वाले सर्कल में होंगे 4, तो ये अंदर वाला सर्कल इसमें 4 है, बाहर वाले में 2 है, तो एंड्रोशियम है 2+4 वाली कंडीशन में, तो मैं ऐसे बता दूंगी, देखो 1 और 2 बाहर वाले सर्कल में है और ये जो 4 है ये अंदर वाले सर्कल में, तो दो लेयर्स में अरेंज्ड है मेरे स्टेमेंस, इसीलिए मैं इसको 2+4 अरेंजमेंट कहती हूँ। एंड फाइनली वी कम अप टू आर गाइनोशियम। अब जब हम गाइनोशियम पे आ रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक सिंगल कंपार्टमेंट है, एक ही कंपार्टमेंट है, इस एक कंपार्टमेंट में लेकिन आपको दो ओवरीज इस तरीके से देखने को मिलेंगी। तो दो कार्पल्स हैं गाइनोशियम में, क्योंकि दो कार्पल्स हैं तो ये बाइकार्पलरी ओवरी हो गई, और क्योंकि एक सिंगल कंपार्टमेंट है तो ये यूनिलोक्युलर कंडीशन हो गई। तो ऐसी कंडीशन अगेन आपको देखने को मिलेगी, ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे इसे कि गाइनोशियम हमारा कैसा है, दो है, दोनों फ्यूज्ड है। मैं फ्लोरल डायग्राम की हेल्प से आपको ये नहीं बता पाऊंगी कि मेरा जो फ्लावर है उसकी ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर, ठीक है, डायग्राम की हेल्प से मैं चीज नहीं बता सकती। आई कैन टेल यू दिस बाय लुकिंग एट द फॉर्मूला, फॉर्मूला देख के बता सकती हूँ मैं कि सुपीरियर है या इंफीरियर है, बट मैं कभी भी बेटा डायग्राम देख के डायरेक्टली ये चीज नहीं बता सकती। सो अपॉन लुकिंग एट द डायग्राम आई कैन नॉट कमेंट वेदर द ओवरी इज सुपीरियर और इंफीरियर, आई कैन ओनली कमेंट ऑन दैट इफ आई हैव अ फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है, इफ आई हैव अ फ्लोरल फॉर्मूला। अब इसके अलावा मैं ये बता सकती हूँ आपको कि बायसेक्सुअल है, तो वो मैं बता दूंगी, ठीक है, इतनी चीजें मैं आपको यहाँ से बता पा रही हूँ। सिमेट्री इसकी कैसी है, सिमेट्री है इसकी रेडियली सिमेट्रिकल, तो रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर है,
कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? मस्टर्ड प्लांट ब्रासिक इसी फैमिली को बिलोंग करेगा। तो इतनी चीजें हम बता पाएंगे जब हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। तो देखो इनने हमको यही बताया कि अगर आपके पास एक फ्लोरल डायग्राम है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर के बारे में, उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसा है। वो आपको ये बताएगा कि मदर एक्सिस पे फ्लावर की पोजीशन क्या है। अगर आपने टॉप के ऊपर ऐसे डॉट लगा दिया तो वो मदर एक्सिस से पोजीशन आपको इसकी बता रहा होगा। देन कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम को आप ड्रॉ करते हो सक्सेसिव वॉल्स में। तो कैलिक्स बना रहे थे हम, फिर बना रहे थे आपका कोरोला, देन वी वर मेकिंग अप योर स्टेमेंस एंड देन वी वर मेकिंग अप योर गाइनोशियम। तो हम 1, 2, 3, 4 सक्सेशन में लेयर बाय लेयर इस चीज को डिफाइन करते हैं। कैलिक्स सबसे बाहर आता है, गाइनोशियम सेंटर में आता है। फ्लोरल फॉर्मूला में आपको कोहेजन और एडिशन भी बताते थे हम कि उसी सेम मेंबर्स के साथ फ्यूजन है या फिर दूसरी वाली लेयर के साथ उसका एडहेशन है, ठीक है। ये चीज भी हम आपको यहाँ से बता रहे थे। तो जब भी हम सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम ये सारी चीजें बताया करेंगे, ठीक है, हम ये सारी चीजें बताया करेंगे। तो बच्चों मुझे बताओ कि क्या हमें ये बात क्लियर है? और ये बात हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें लगता है कि हमारे कोर्स में तीन ही फैमिलीज हैं। हमें लगता है सोलिनेसी, फेबेसी और लिलिएसी हमारे कोर्स में है, बट हम ये भूल जाते हैं कि ब्रासिकेसी भी हमारे कोर्स में है। क्यों है ब्रासिकेसी हमारे कोर्स में? क्योंकि भैया उसी के बारे में तो बता रखा है, उसका डायग्राम भी दे रखा है, उसका फॉर्मूला भी दे रखा है। तो ब्रासिकेसी फैमिली हमारे इसीलिए कोर्स में आ जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसका पूरा डिस्क्रिप्शन तो दे दिया हमने डायग्राम और फॉर्मूला के बेसिस पे। तो इसीलिए ब्रासिकेसी फैमिली को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम देखो हम एक कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्लोरल फॉर्मूला है, कुछ सिंबल से हमने इसे रिप्रेजेंट किया है, करेक्ट मैचिंग बतानी है, करेक्ट मैचिंग। अब देखो सी से क्या होता है? सी से होता है कोरोला। के क्या रिप्रेजेंट करता है? के रिप्रेजेंट करता है बेटा कैलिक्स। परसेंटेज साइन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। सर्कल के अंदर प्लस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है फ्यूजन, ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है फ्यूजन, ठीक है। और ये एफ पे पता नहीं क्या बनाया है, शायद ऐसा बनाना चाहा था। अगर ऐसा कुछ लाइन बनाई है हमने ऊपर तो ये रिप्रेजेंट करती है एडहेशन, ये रिप्रेजेंट करती है एडहेशन। तो देखो सी का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, ए का 2 बी का 1, फिर सी का 4, तो सी 4, डी का 3, ई का 5 और एफ का 7। सो करेक्ट आंसर विल बी डी, ओके, करेक्ट आंसर विल बी डी। हेलो सुधाकर, गुड इवनिंग। चलो सो इफ दिस इज क्लियर टू अस एवरीवन, फटाफट से अब अपन देखते हैं एक फैमिली, ठीक है। आज अपन एक फैमिली भी पढ़ेंगे साथ साथ। आज जो फैमिली अपन देखने वाले हैं ये फैमिली फेबेसी। अब देखो फेबेसी फैमिली की जब जब बात होगी ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ याद रखने के लिए है वो क्या है? वो ये है कि ये फैमिली को ही पहले हम कहते थे पेपिलियोनेडी फैमिली। तो पेपिलियोनेडी फैमिली फेबेसी का ही पुराना नाम है, फेबेसी का ही पुराना नाम है। तो पहले से पेपिलियोनेडी फैमिली बुलाते थे, आज के डेट में हम इसे फेबेसी फैमिली बुलाते हैं। और ये एक बड़ी फैमिली को बिलोंग करती है जो कि है लेग्यूमिनेसी, जो कि है लेग्यूमिनेसी। तो ये सब फैमिली है लेग्यूमिनेसी फैमिली की, मतलब ये अपने आप में फैमिली नहीं है, आइडियली फैमिली जो है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली है। और उसके अंदर आती है एक सब फैमिली जिसका नाम है फेबेसी, जिसका नाम है फेबेसी। अब ये आपको पूरे वर्ल्ड में हर जगह मिल जाएगी। तो हम इसके हैबिटेट बता रहे हैं कि कहाँ पाई जाती है, तो हम कह रहे हैं पूरी दुनिया में कहीं भी मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रॉपिक एरिया में ही मिलेगी या टेम्परेट में ही मिलेगी, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इसके मेंबर्स आपको मिल जाएंगे। फिर हम क्या डिस्क्राइब करते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि इसके प्लांट्स कैसे हैं। तो हम कह रहे हैं कोई ट्री होगा, इसके अंदर कुछ श्रब्स भी होते हैं, इसके अंदर कुछ हर्ब्स भी होते हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि सारे हर्ब्स ही हैं, सारे श्रब्स ही हैं, हर टाइप के प्लांट इस फैमिली के अंदर मिलते हैं। फिर इसकी जो एक खासियत है वो ये है कि जब भी आप इनकी रूट्स को देखोगे तो आपको रूट में बेटा कुछ नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे, रूट में कुछ नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। और आप ये बात ऑलरेडी जानते हो कि
रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी कराता है. तो सिम्बायोटिकली वो रूट नोड्यूल्स में रहता है लेग्यूमिनेसी के मेंबर्स के साथ, ठीक है, पी फैमिली या फिर पल्सिस के साथ. तो यहाँ पर आपको रूट हमेशा रूट नोड्यूल्स के साथ दिखेंगी. स्टेम आप देखोगे तो इनकी स्टेम एकदम इरेक्ट हो सकती है कि स्टेम एकदम स्ट्रेट खड़ी रह पाती हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी स्टेम बहुत वीक है और उन्हें क्लाइंबर्स का हेल्प लगता हो, क्लाइंबर्स के हेल्प से, टेंड्रिल्स के हेल्प से वो क्लाइंब कर पाते हो. तो स्टेम इरेक्ट भी हो सकती है, हो सकता है वीक हो और टेंड्रिल की हेल्प से कॉइल करती हो क्लाइंबर की तरह हो. लीव्स की बात करेंगे ना तो लीव्स हमको कैसे दिखेंगे, ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट मतलब एक नोड है भैया, इस तरीके से लीफ आ रही हैं, इस तरीके से लीफ आ रही हैं. तो जब भी आपको ऐसे लीफ आती हुई दिखेंगी हम कहेंगे भैया ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है लीफ का. फिर क्या देखेंगे हम, फिर हम देखेंगे कि हमारी जो लीफ है वो कंपाउंड अगर है, कंपाउंड कब होती है, देखो कंपाउंड लीफ को हम तब कहते थे, कंपाउंड लीफ को हम तब कहते थे जब हम अपनी बड़ी सी लीफ के लिए ऐसा कहते थे कि वो छोटी छोटी लीफलेट्स में टूट गई है, छोटी छोटी लीफलेट्स में टूट गई है. तो अगर वो इस तरीके से बेटा छोटी छोटी लीफलेट्स में टूट चुकी है, छोटी छोटी लीफलेट्स में टूट चुकी है, तो हम इसे कहेंगे कि ये पिननेटली कंपाउंड लीफ है, पिननेटली कंपाउंड लीफ है. क्योंकि जो आपका आपका क्या बोलते हैं एक्सिलरी बड है वो सिर्फ पिटियोल के एंड पे है, छोटे छोटे लीफलेट्स पे नहीं है. तो इस तरीके की है तो हम कहेंगे हाँ पिननेटली कंपाउंड टाइप की है. अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में लीफ आपकी सिंपल ही होगी, ये लीफ आपकी सिंपल ही होगी. तो या तो सिंपल हो सकती है या तो फिर पिननेटली कंपाउंड टाइप की हो सकती है. अब अगर आप देखोगे ना तो लीफ का जो बेस है, जो पिटियोल है, वो आपको ऐसा फूला हुआ दिखाई देगा, फूला हुआ दिखाई देगा. अगर ऐसा फूला हुआ दिखाई देता था तो इसे हम पल्विनस बुलाते थे. तो हम कहेंगे लीफ पल्विनेट टाइप की है, पल्विनेट टाइप की है. प्लस अगर आपको यहाँ पर दो छोटी लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स और दिख रहे हैं तो हम कहते थे स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है, स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है. तो हम कहेंगे लीफ स्टिप्यूलेट टाइप की है, स्टिप्यूलेट टाइप की है. वीनेशन की बात करेंगे तो वीनेशन हमेशा नेटवर्क जैसा होगा, जाल जैसा, क्योंकि डाइकॉट फैमिली है. तो कैसा होगा, रेटिकुलेट टाइप का. तो ये एक डाइकॉट होता है, ये भी हमें क्लियर हो जाता है यहाँ से जब हम रेटिकुलेट वीनेशन सुन लेते हैं, ठीक है, रेटिकुलेट वीनेशन सुन लेते हैं. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमें देखना है इनका इनफ्लोरेसेंस. अब फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम इनफ्लोरेसेंस ही देखते हैं, और जब आप इनफ्लोरेसेंस देखते हो ना तो हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस है रैसिमोस टाइप का, रैसिमोस टाइप का. अब रैसिमोस में क्या होता था, रैसिमोस में ये होता था कि जो आपके टिप है उस पे आते थे यंग फ्लावर्स, उस पे आते थे यंग फ्लावर्स, और आपके जो बड़े वाले फ्लावर्स थे वो सारे टूवर्ड्स द बेस थे, वो टूवर्ड्स द बेस थे. तो यंग फ्लावर्स ऊपर ऊपर आएंगे, यंग फ्लावर्स ऊपर ऊपर आएंगे, बूढ़े फ्लावर्स टूवर्ड्स द बेस होंगे. सक्सेशन ऐसा वाला एक्रोपिटल मैनर कहलाता है और इनफ्लोरेसेंस कहलाती है रैसिमोस इनफ्लोरेसेंस. इनके फ्लावर्स हमेशा बाइसेक्सुअल होंगे बेटा और जाइगोमॉर्फिक होंगे, मतलब आप एक ही प्लेन में राइट और लेफ्ट हाफ इक्वल ऑब्टेन कर सकते हो. तो आप हर कहीं से डिवाइड करके राइट और लेफ्ट को इक्वल नहीं पा सकते, एक सिंगल प्लेन में ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा तभी दोनों हाफ्स इक्वल मिलेंगे. तो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होती है. कैलेक्स को देखेंगे तो पांच सेपल्स उसमें मिलेंगे आपको, सारे पांचों के पांचों कैसे मिलेंगे, गैमोसेपलस कंडीशन में, मतलब सारे के सारे आपको दिखेंगे फ्यूज्ड कंडीशन में. फिर अगर आप इसकी एस्टिमेशन की बात करोगे तो या तो ये वैल्वेट हो सकती है, या तो ये वैल्वेट हो सकती है, या तो फिर ये होगी इम्ब्रिकेट, या तो फिर ये होगी इम्ब्रिकेट. तो एक अंदर एक पूरा बाहर, एक पूरा अंदर, अंदर बाहर, अंदर बाहर. तो या तो वैल्वेट या तो इम्ब्रिकेट कंडीशन देखने के लिए मिलेगी. कोरोला को देखेंगे अगेन तो पांच पेटल्स होंगे, पांचों के पांचों फ्री हैं, पांचों के पांचों फ्री हैं, तो हम कहेंगे पॉलीपेटलस कंडीशन है. पेपिलियोनेशियस है, अब जब भी आ गया पेपिलियोनेशियस है मतलब क्या है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन, वेक्सिलरी एस्टिवेशन. तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता था, एक बड़ा सा स्टैंडर्ड था दो जो दो छोटे विंग्स को कवर करता था, जो बदले में दो छोटी कील को कवर करता था. तो इस तरीके का अगर आपको एस्टिवेशन मिलता था तो आप कहते थे सिर्फ एक्सिलरी एस्टिवेशन. और इसमें हम कहते थे एक बड़ा सा पोस्टीरियर स्टैंडर्ड है, दो लैटरल विंग्स हैं और दो सामने की तरफ प्रेजेंट आपके कील हैं, दो सामने की तरफ प्रेजेंट आपके कील हैं. यही वाली एस्टिवेशन वेक्सिलरी एस्टिवेशन भी कहलाती थी. अब देखो एंड्रोशियम के लिए हम कहते थे कि टोटल मिला के 10 स्टेमिन होंगे, 10 स्टेमिन होंगे, बट किस कंडीशन में है, डाइएडिल्फस कंडीशन में, मतलब आपके पास दो बंच है, एक जो बंडल है उसमें 9 है और एक जो है वो अकेला है, ठीक है. तो ये डाइथिकस है, डाइथिकस का क्या मतलब होगा कि जब भी आप एंथर को देखोगे
एक एंथर को देखोगे तो आपको एक एंथर के अंदर दो कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, एक एंथर के अंदर दो कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, तो उसके अंदर दो ऐसे पोलन साक रहेंगे जिसके अंदर पोलन ग्रेन भरे रहेंगे, जिसके अंदर पोलन ग्रेन भरे रहेंगे। तो डायथीकस होना मतलब एक ही लोब के अंदर दो कंपार्टमेंट्स होना, एक ही लोब के अंदर दो कंपार्टमेंट्स होना। तो एंड्रोशियम आपका 10 स्टेमेन से बना हुआ है, इट इज इन अ डायएडल्फस कंडीशन विच मींस दैट यू हैव टू बंडल्स एंड द अरेंजमेंट इज गोइंग टू बी 9+1 कि 9 विल बी टुगेदर एंड 1 विल बी सेपरेट। देन इफ यू मूव फॉरवर्ड एंड यू लुक एट द गाइनोशियम नो यू विल बी फाइंडिंग दैट द ओवरी इज सुपीरियर एंड इफ द ओवरी इज सुपीरियर यू रिप्रेजेंटेड लाइक दिस एंड द फ्लावर विल देन बी अ हाइपोगाइनस फ्लावर। तो फ्लावर आपका हाइपोगाइनस हो जाता है। ओवरी के अंदर देखोगे तो एक सिंगल कार्पिल है, बहुत सारे कार्पिल्स हैं नहीं, तो एक सिंगल ही कार्पिल है भैया, एक सिंगल ही कार्पिल है, उस सिंगल कार्पिल में एक सिंगल ही लॉक्यूल है और बहुत सारे ओव्यूल्स अटैच्ड हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स अटैच्ड हैं। तो यूनिलॉक्यूलर ओवरी है, बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। और ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमारा जो कौन है, स्टाइल है, वो भी एक ही है, स्टाइल भी एक ही है और फॉलोड बाय स्टिग्मा, ऊपर स्टिग्मा आपको देखने को मिलेगा। अब यहां से आपको एक नई चीज याद करनी है, वो है इसका फ्रूट। फ्रूट कैसा होता है, इसके फ्रूट को हम लेग्यूम टाइप का फ्रूट कहते हैं। सीड एक हो सकती है या बहुत सारी हो सकती है, जितनी भी होंगी सबके सब नॉन एंडोस्पर्मिक होंगी, मतलब जब एम्ब्रियो मेच्योर हो रहा था या ग्रो हो रहा था तब तक वो पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर चुका है। तो सीड प्रॉपर डेवलप होने के बाद उसके अंदर कुछ भी एंडोस्पर्म अब बाकी नहीं है, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद एंडोस्पर्म अब बाकी नहीं है, तो नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप की सीड्स कहलाएंगी। अब इतनी नॉलेज जो हमने लेना, उसी नॉलेज को देखो हम इस डायग्राम और इस फॉर्मूला से क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे क्रॉस चेक बच्चों, देखो ये दिखा है सिंबल, क्या बता रहा है सिंबल, सिंबल कह रहा है कि अच्छा जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है, ये सिंबल बता रहा है मुझे कि बायसेक्सुअल कंडीशन है, ये मुझे बता रहा है कि नीचे 5 और ब्रैकेट, मतलब ये मुझे बता रहा है कि मेरे जो सेपल्स हैं वो गैमोसेपल्स कंडीशन में है, मतलब फ्यूज्ड है। और यही चीज मेरा डायग्राम भी दिखा रहा है, देखो सबको मैंने चिपका के बनाए हैं, चिपका के, तो 5 बनाए हैं मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, पर चारों को, पांचों को चिपका दिया है, तो गैमोसेपल्स कंडीशन भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब मैं देख रही हूँ जब मेरा कोरोला को, तो मुझे दिखाई दे रहा है C1+2+2। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है भैया कि एक मेरा अकेला था स्टैंडर्ड, दो मेरे फिर विंग्स थे लैटरल वाले, और ये जो दो मेरे एंटीरियर वाले थे ये थे मेरे कील, और ये कील मेरे आपस में चिपके हुए हैं, ये कील मेरे आपस में दोनों चिपके हुए हैं। तो ये एंटीरियर मोस्ट जो दो छोटे छोटे से हैं वो आपस में चिपके हुए रहते हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में बना के दिखाया है, इन दोनों को ब्रैकेट में बना के दिखाया है। और जब ड्रॉ कर रही हूँ तभी देखो ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, एक बड़ा सा, फिर ड्रॉ कर रही हूँ दो ऐसे छोटे से, और फिर इन दोनों को यहाँ पर ऐसे मर्ज करा देती हूँ, चिपका देती हूँ। तो ये कहलाता है 1+2+2, तो 1+2+2, तो ये प्लस टू ये रहे, ये वाले 2 ये रहे, और ये वाला 1 ये रहा, ठीक है, ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट करने की बारी आई है, तो लिखा है इनने 9+1, ए 9+1, इसका मतलब क्या है कि 9 ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इन 9 को एक दूसरे से चिपकाना है इनको, क्योंकि हमने एक ही बंडल में रखना है, ये एक ही बंडल में रखे हुए हैं ना, इसलिए एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो ये बंडल्ड है, चिपके हुए हैं, इसलिए मैंने 9 को बेटा ब्रैकेट में पुट किया है, ठीक है, 9 को मैंने ब्रैकेट में पुट किया है। अब इसके अपार्ट एक मुझे अलग सा दिख रहा है, एक मुझे अलग सा दिख रहा है, तो उसको मैंने +1 करके सेपरेटली लिखा है, +1 करके सेपरेटली लिखा है। तो ये चीज मुझे बता रही है कि मेरा जो एंड्रोशियम है उसमें जो स्टेमेंस है वो डायएडल्फस कंडीशन में है, और दो बंडल्स है, 9 का अलग है और 1 का अलग है। और फाइनली फिर मैं जब अपने गाइनोशियम पे आती हूँ तो मुझे आपको देखने को मिलेगा कि एक सिंगल गाइनोशियम है, ठीक है, एक सिंगल लॉक्यूल है, उसके अंदर कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं है। तो गाइनोशियम मेरा एक सिंगल कार्पल से बना हुआ है, ये चीज मैं यहां से देख पा रही हूँ। डायग्राम फॉर्मूला देखती तो इसके नीचे डंडी भी लगी हुई है, मतलब समझ जाती कि सुपीरियर टाइप की ओवरी रही होगी, सुपीरियर टाइप की ओवरी रही होगी, ठीक है, तो ये चीज मैं समझ जाती। अब ये जो फ्लोरल रिप्रेजेंटेशन है किसका है, ये है पी प्लांट का, किसका है बेटा, पी प्लांट का, तो ये मस्टर्ड वस्टर्ड का नहीं है, ये पी प्लांट का है। पी प्लांट किसको बिलोंग करता है, पेपिलियोनिडी यानी फेबेसी फैमिली को, तो ये पी प्लांट का है, हमारा जो गार्डन पी होता है पाइसम सेटाइवम, ये उसका फ्लोरल डायग्राम और ये उसका फ्लोरल फॉर्मूला है,
बिलोंग करेगा फेलिसी फैमिली जो पुराने जमाने में पेपिलियोनिडी कहलाती थी। अब देखो इसके अलावा हमें इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी याद करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि कौन किसको बिलोंग करता है। देखो इसके अंदर आपको बहुत सारी पल्सेस मिलेंगी, बहुत सारी पल्सेस मिलेंगी, जैसे कि आपको इसके अंदर मिलेगी ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, सब के नाम तुमने सुने हैं, सब हम रोजमर्रा में खाते हैं, ठीक है। तो चना, तुअर की दाल, सेम, मूंग दाल, सोयाबीन की बड़ी, सब तुमने सुने हुए हैं। सारे के सारे प्लांट्स इसी को बिलोंग करते हैं, सबके सब पल्सेस हैं। ऐसे ही तेल मिलता है तुम्हें इनसे, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, दोनों इसी को बिलोंग करते हैं। एक डाई मिलती है इंडिगोफेरा नाम की, एक इंडिगोफेरा नाम का प्लांट है, इंडिगो डाई, नीला रंग जो देती थी, तो इंडिगो नीला रंग वाली जिसके चक्कर में ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, वो भी इसी फैमिली का मेंबर है। फिर साथ में आपको फाइबर वाला प्लांट सन हेम्प, वो भी यहीं से मिलेगा, एक फॉर्डर क्रॉप है, गाय बैल बकरी को हम खिलाने के लिए उगाते हैं इनको, तो एक फॉर्डर क्रॉप है सन हेम्प, वो भी इसी को बिलोंग कर रहा है। फिर इसके अलावा दूसरा भी फॉर्डर क्रॉप है जैसे सेस्बेनिया और ट्राइफोलियम, ये भी इसी को बिलोंग कर रहे हैं। और ये ट्राइफोलियम के ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है पहले कि ट्राइफोलियम का एस्टिमेशन कैसे होगा, या वो ये पूछ लेंगे कि इसका एंथर कैसा है, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी वो उठा के पूछ सकते हैं। फिर कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स मिलेंगे बेटा आपको, जैसे ल्यूपिन हो गया, स्वीट पी हो गया, और मेडिसिनल प्लांट जैसे मुलेठी हो गया। तो जब गला बैठ जाता है टीचर्स का अक्सर, तो मुलेठी खाते हुए पाए जाते हैं, मुलेठी से गला खुलता है थोड़ा, इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, तो ये मुलेठी भी इसी को बिलोंग करेगा। तो ये सारे के सारे फेबेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है। कौन कौन हो गए ये? ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इंडिगोफेरा, सनहेम, सेस्बेनिया, ट्राइफोलियम, ल्यूपिन, स्वीट पी एंड मुलेठी। तो प्लीज इसके एग्जांपल्स को अच्छे से ध्यान करना, अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेना। सब के सब बिलोंग करते हैं इनटू द पी फैमिली, दैट इज फेबेसी फैमिली, ठीक है, इनटू द पी फैमिली, दैट इज फेबेसी फैमिली। अब इसके अलावा भी हमारे पास बेटा सिलेबस में दो फैमिलीज और हैं, दैट इज सोलिनेसी एंड वी हैव लिलियसी ऑल्सो, बट इन दोनों फैमिलीज को अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इन दोनों फैमिलीज को कवर करने के बाद हम फटाफट नेक्स्ट क्लास में ही इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास यानी कि कल जब हम मिलने वाले, तो हम बची हुई दोनों फैमिलीज और MCQs एंड assertion reasons डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से इस चैप्टर को गो थ्रू करके आना, कहीं पर भी अटक रहे हो, कुछ डिफिकल्टीज आ रही हो, तो प्लीज मुझे कल की क्लास में इन्फॉर्म करना, ठीक है बच्चों। अभी कुछ भी डाउट रहा है आज की क्लास से तो मुझसे पूछ सकते हो, मुझे बताओ। कुछ भी ऐसा था आज की क्लास में जो क्लियर नहीं था, तो बाकी किसी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर है, ठीक है, इस पे मुझे कनेक्ट कर लेना। चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। और बाकी मैं तुम लोग के डाउट्स का वेट कर रही हूँ, कुछ भी हो तो मुझे कॉमेंट में बता दो, ठीक है। फोन हाथ में ही है, चैट पढ़ी रही हूँ। ओके, यू आर वेलकम एवरीवन। और कोई डाउट्स बच्चों, कोई डिफिकल्टी? ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक था हमारा, आई थिंक हम सबने समझ लिया होगा। हमें इस टॉपिक से सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कौन से सिंबल्स किस चीज को बिलोंग करते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला देखकर आप फैमिली कैसे पहचानते हो, कोई फ्लोरल डायग्राम बना हो तो उसके बेसिस पर फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, फ्लोरल फॉर्मूला के बेसिस पर डायग्राम कैसे लिखा जाता है, और उन सिंबल्स को देखकर उसका डिस्क्रिप्शन कैसे समझाया जाता है। प्लस जो हमने फैमिली पढ़ी है उसमें आपको याद रखने हैं उसके एग्जांपल्स, कि कौन कौन से एग्जांपल्स उस फैमिली में हमारी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमें करनी है। बच्चे किस बात का नोटिस बनाना है? ओके, सो आई थिंक वी आर डन फॉर द डे, एंड इफ यू आर डन फॉर द डे आई विल सी यू टुमारो एट 2 PM, देन वील बी स्टडींग फैमिलीज सोलिनेसी एंड लिलियसी। सो आई विल सी यू टुमारो, तब तक इसको अच्छे से एक बार और गो थ्रू करके आना, ड्रासिकेसी फैमिली और फेबेसी फैमिली के एग्जाम्पल्स, उसका फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम सब याद हो जाना चाहिए जब हम कल मिले तो, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।